तथा आज हम बनाएंगे गर्मियों को मौसम में तरबूज का जूस। गर्मी में पावरफुल जूस है, वेट लॉस भी करता है तो शरीर में ठंडक भी पहुंचाती है और तरोताजा रखती है। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रानी शर्मा किचन में। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूं एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल ताजगी से भरी शरबत की रेसिपी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम झटपट। तो उसके लिए मैंने मार्केट से एकदम ताजा ताजा तरबूज लेके आए, तो इसके हम दो टुकड़े कर लेंगे बीच से काट कर। तो एकदम लाल और ताजा तरबूज है, तो देखकर मुझे शरबत बनाने का मन किया। तो बच्चे बाहर से आते हैं एकदम गर्म, गर्मी बहुत हो रही है तो मैं इसलिए आज शरबत बना के दे रही हूँ बच्चे लोग को। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम इसका बीज निकाल लेंगे। तो इस तरह हम बीज से काट लेंगे पहले छोटे टुकड़े में, तब हम इसका बीज निकाल लेंगे। तो ज़्यादा बीज तो नहीं है, फिर भी जो बीज है हम इसका निकाल लेंगे चम्मच से। अब हम एक जार लेंगे और ये तरबूज को हम उसमें डाल देंगे कटे हुए पीस को। तब हम इसमें पुदीना, काला नमक, चाट मसाला, नींबू सब ले लेंगे। तब हम इसे पुदीना डाल देंगे और हम नींबू का रस डाल देंगे। आधा नींबू हम लिए हैं और तरबूज बहुत मीठा है। अगर आपके पास तरबूज मीठा ना हो तो आप उसमें एक चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हम इसे पीस लिए हैं। तब हम एक छन्नी से छान लेंगे, इसका सारा पल्प निकाल कर हम इसे छान लेंगे। तब हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से गड़ जाए। तो हम सारे तरबूज को इसी तरह छान लेंगे। तो गर्मियों में ये बहुत राहत पहुंचाती है इसका शरबत। तब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला। तब हम इसे मिला लेंगे। तब हम ग्लास ले लेंगे, ग्लास में हम आइस क्यूब पहले डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा तरबूज का पल्प डालेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। बच्चे जब पीते हैं तो उसके मुंह में छोटे छोटे टुकड़े आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं बना कर देती हूँ हमेशा बच्चों को। तब मैं इसमें शरबत डाल दूँगी। तो है ना बहुत आसान, एकदम झटपट बनकर तैयार हो गया। तो आप भी इसी तरह बड़े बच्चे को बनाकर पिलाएं तो शरीर में देखिए ताजगी बने रहती है। अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो इसी तरह जूस बना के पिए तो ये वेट लॉस का भी काम करता है। तो मैं अब पुदीना पत्ता लगा दूंगी और स्ट्रो डाल दूंगी। तो देखिए मेरी तरबूज की रेसिपी बनकर तैयार है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा मेरी शरबत की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप सब इसी तरह मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।